अब नजर डालते हैं पोंबुर्णा तहसील से एक रोचक खबर की ओर, जहां किसानों के लिए देवता समझे जाने वाले बैलों को नागपंचमी के पावन मौके पर अलग तरह से पूजा गया। ऐसी क्या रोचकता है इस खबर में, चलिए नजर डालते हैं इस पर। अक्सर हम अपना या अपने परिवार के लोगों का या कहिए अपने दोस्तों का जन्मदिन बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं, और कभी कभी अगर कोई इंसान आर्थिक रूप से संपन्न रहता है तो यह जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खुशी और प्यार मायने रखती है, पैसा नहीं। मगर वहीं कोई परिवार अपने पालतू जानवरों का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाकर गांव के नागरिकों को स्नेह भोजन देता है तो यह एक चर्चा के साथ यह बात काफी महत्व रखती है। अब हम चलते हैं उस खबर की ओर। यह खबर है पोंबुर्णा तहसील के देवाड़ा बुज की, जहाँ किसानों के लिए बैल एक देवता के रूप में पूजा जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य पोंबुर्णा तहसील के देवाड़ा बुज में देखने को मिला, जहाँ एक किसान नागपंचमी के पावन अवसर पर अपने बैलों का जन्मदिन मना रहा है। अक्सर हम नागपंचमी के पावन मौके पर नाग देवता की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस किसान ने अपने बैल जोड़ी को सजा धजा कर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इन बैलों का जन्मदिन मना रहा है, और यह परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। और बाकायदा बैलों का जन्मदिन मनाते हुए सभी मिलकर तुम जियो हजारों साल की प्रार्थना भी कर रहे हैं। यह उपक्रम प्रवीण शंकर आरेकर, प्रभुल आरेकर के साथ परिवार के अन्य सदस्यों ने सभी के सामने लाकर एक मिसाल कायम की है। तो सुनिए इस संबंध में उस किसान का क्या कहना है। आम्ही दरवर्षी या बैलाचा वाढदिवस नागपंचमी दिवशी साजरा करतो। गावातील सर्व लोकांना आम्ही आमंत्रित होऊन या बैलाचा वाढदिवस आम्ही साजरा करत असतो। ही एक परंपरा, आता तो बैल आमच्या घरी असेपर्यंत किंवा मरतपर्यंत ते आम्ही कायम ठेवू आणि ती परंपरा जोपासू। सी टी व्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि विकास शेडमाकी की रिपोर्ट।